नमस्कार, आप देखे राजधानी समाचार। बात की जाए मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के, सीहोर जिले का नगर आष्टा की, आष्टा में जिस प्रकार से भव्य मानव सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, बात करेंगे यहाँ के जो आयोजक के रूप में लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं इस भव्य सम्मेलन आयोजन में। किस प्रकार से शुरुआत की और क्या बड़ा ही उत्साह, कोरोना भी धीरे धीरे कम हो गया, कैसे देखते हैं आप? ये बहुत अच्छे आयोजन हो रहा है मानव सम्मेलन का। ये आष्टा नगर की पुरानी परंपरा है जो 40 साल से चल रही थी, वो पिछले 24 सालों से ये विराम हो गई थी। फिर एक नया गठन हुआ है मानस भवन का, उस मानस भवन का अध्यक्ष और समस्त कार्यकर्ताओं ने जो है एक नई समिति बनाई है, मानस सम्मेलन समिति, उसका मुझे अध्यक्ष बनाया दिनेश सोनी, और उस समिति के द्वारा ये भव्य आयोजन की शुरुआत करी थी। अगस्त माह से इसकी शुरुआत हुई है और की शुरुआत में ही जो है कि हमें ऐसा लगने लगा था कि पूरा नगर की जनता इस आयोजन को लेकर बहुत उत्साहित है और मातृशक्तियाँ तो बहुत ज़्यादा ही उत्साहित थी, और समस्त मातृशक्तियों ने और यहाँ के आशीर्वाददाताओं ने, युवा वर्गों ने बहुत अच्छा समर्थन करके इस आयोजन को सफलता की ओर पहुँचाया गया। लगातार 2 साल निकल गए, कोई आयोजन नहीं हुआ, कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, कोरोना महामारी रही, कैसे धार्मिक सनातन धर्म के लोग जुड़ रहे हैं इससे, और कितनी खुशी की बात है, कितना लोग, कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं? हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं, मातृशक्तियों की संख्या ज्यादा रह रही, करीबन 7 से 8 हजार की संख्या में लोग भक्तजन उपस्थित होते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। कोरोना के कारण 2 साल जो कोई आयोजन नहीं हुआ है उसके कारण भी जो है कि लोगों को बहुत उत्साहित था कि यह पहला आयोजन हो रहा था इतना बड़ा कोरोना के बाद, और वो नगर आष्टा में हो रहा है, और इसमें 2-3 शंकराचार्य जियों को हमने जो है कि आमंत्रित किया गया था, जिसमें से एक शंकराचार्य जी पधारे हैं और अपने मानस मर्मज्ञ से कथा का श्रवण करके गए हैं। बाकी 2 शंकराचार्य जी किसी कारणवश आ नहीं पाया इसमें, और बाकी राम स्वरूपाचार्य जी, कामतगिरी पीठाधीश्वर भी कल पधारे थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी कथा का श्रवण कराया भक्तजनों को, और वेदवाची का अंजलि दीदी भी पधारी थी, उन्होंने भी अच्छी कथा का श्रवण कराया है, और अन्य अन्य महामंडलेश्वर आकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से हमारे महंत आष्टा नगर के अन्नपूर्णा मंदिर के दीपक दास जी जो है उनका बहुत अच्छा सहयोग प्रदान रहा है हमारे समिति को। ही रहते बात करें यहाँ का जो मानस भवन है, बड़ा ही पुराना ही संस्था, लगातार इसमें लाखों लोग जुड़ रहे हैं और तमाम देश विदेश के संत महात्मा भी अपने आकर यहाँ पर प्रवचन व साधुवाद दे रहे हैं। अध्यक्ष की बात की जाए, मानस भवन जो समिति के अध्यक्ष माता सत्यनारायण जी हैं, बात करें किस प्रकार से इस कार्यक्रम को आप देखते हैं, बड़ा अद्भुत कार्यक्रम रहा है। ये सभी के सहयोग से हुआ, सभी के जन सहयोग से कार्यक्रम चल रहा है यहाँ, और इसी में आम लोगों का, सभी का सहयोग है इसमें। और 2 साल बाद कोरोना महामारी धीरे धीरे कम हुई है, संत महात्माओं की प्रवचन कथा भागवत शुरू हो रही है, कैसे देखते हैं आप सनातन धर्म को, कितनी शक्ति ताकत मिल रही है? सनातन धर्म के में बहुत ताकत है और उसी के उससे चल रहा है, सब साधु संत यहाँ आए, और 2-1 संत का आना भी नहीं हुआ या फ्लाइट के उसके कारण कैंसिल होने के कारण। कितने वर्षों से यह संस्था कार्यक्रम कराती है? ये पिछले 24 वर्षों से कार्यक्रम बंद था, इसके पहले 80 में हुआ था, 80 के बाद एक बार और हुआ था, एक दो बार, उसके बाद 24 सालों से ये हुआ नहीं, 24 सालों के बाद फिर ये नए सिरे से शुरू करा गया, चालू हुआ इसी साल में। कितने दूर दूर से, कौन कौन से महात्मा संत? सभी दूर से आए संत, तो जैसे हरिद्वार से आए, ऋषिकेश के भी है इसमें संत, और चित्रकूट के भी है, चित्रकूट से भी पधारे हुए हैं, ऐसे अनेक जगह से आए हैं। कितने लोगों की तादाद हो रही है आने में, कितने लोग पधार रहे हैं, जनसंख्या, लोग आते 2-4-5 हजार लोग रोज डेली आ रहे हैं यहाँ। क्या व्यवस्था आपकी समिति टेस्ट की ओर से? बस ये चाय पानी की, इसकी नाश्ते वास्ते की व्यवस्था है, प्रसाद वगैरह की, बिठाने की व्यवस्था है। राम है आज लास्ट का दिन, क्या बरसात में जो है वो नुक्ती वगैरह रखी है सभी को संत। आष्टा और सीहोर और मध्य प्रदेश वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं, क्या कार्यक्रम सफल रहा? कार्यक्रम बहुत सफल रहा सभी के सहयोग से, इनको सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। आपका नाम पूरा परिचय? मेरा नाम सत्यनारायण कामरिया।
सत्यनारायण कावरिया जी हमारे साथ थे। लगातार जो यहाँ की व्यवस्था है या यहाँ की पूरी स्थिति है देख रेख कर रहे हैं ट्रस्ट के अध्यक्ष के नाम से। वो बात करें अपन यहाँ के धार्मिक जागरण, तो मध्य प्रदेश के तमाम वो संत, वो महात्मा, वो भविष्य जो बड़े बड़े मठों में विराजमान है, चाहे चित्रकूट हो, उज्जैन हो, पूरे मध्य प्रदेश के लोग आ रहे हैं। राजधानी समाचार न्यूज विश्वकर्मा की रिपोर्ट, कैमरा मैन राहुल विश्वकर्मा के साथ आष्टा सीहोर मध्य प्रदेश। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।